हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9 मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 की क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अपने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर रहा था, और क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट क्योंकि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए आज मैं आपको वो पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन है x³ - 3x² - 9x - 5। तो अब यहाँ पर भी अगर मैं एज्यूम करता हूँ, अगर x+1 इज फैक्टर ऑफ x³ - 3x² - 9x - 5, ठीक है, बाई ट्रायल मेथड, तो हमें मिलता है क्या x+1 की जगह। तो अगर मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू को 1 मान लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 1³ - 3 और यहाँ पर होता है -9 - 5, ठीक है। तो -1 क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो बनेगी वो सब हमारी माइनस की वैल्यू बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि मैंने एज्यूम किया था x+1 = 0, तो x की वैल्यू -1, ठीक है। तो यहाँ -1³ - 3 और ब्रैकेट में -1² - 9 और ब्रैकेट में -1 - 5, तो -1³ - 1 हो गया। यहाँ 3 - 3 × 1 तो +3 हो गया, -9 × -1 - 9 हो गया, और -5 अपनी जगह आ गया। तो अब जब मैंने इसको और एक सीक्वेंस में फॉर्म किया, तो -1 - 5 - -1 - 3 - 5 वैल्यू बनती है -9 और +9, तो वैल्यू हो गई 0। यानी कि जो हमने एज्यूम किया था x+1 वो फैक्टर इस पर अप्लाई हो सकता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं डिवीजन मेथड का हमें सहारा लेना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने क्वेश्चन लिया x³ - 3x² - 9x - 5, और क्योंकि यहाँ x+1 मुझे फैक्टर मिल चुका है, तो मैंने x+1 को फैक्टर के रूप में ले लिया और उससे ही मैं इस वैल्यू को डिवाइड करूँगा। तो जाहिर सी बात है, पहला वैल्यू क्वाड्रेंट में मैंने लिया x², तो x² × x करने पर x³ होता है, और x² + 1 करने पर होता है x², x³ से x³ को मैंने काट दिया क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, और तो डिफॉल्ट ये भी माइनस का साइन बनेगा, तो 3+1 4x² हो गया, -9x - 5 को मैंने रिप्लेस कर लिया। अब यहाँ दिख रहा है 4x² यानी -4x², तो मैंने क्वाड्रेंट के रूप में चूज किया -4x, तो -4x × x करने पर मिलता है -4x² और -4x × 1 करने पर मिलता है -4x, तो 4x² से 4x² मेरा यहाँ कट जाता है, और 9 में से 4 जब मैंने माइनस किया तो बचता है -5x, और -5 को मैंने यहाँ रिप्लेस कर लिया। अब यहाँ पर क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये वैल्यू है -5x, इसलिए मैंने -5 को क्वाड्रेंट के रूप में लिया, तो -5 × x करने पर वैल्यू बन गई -5x, और -5 × +1 करने पर वैल्यू बन गई -5, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या हुआ, 0 बन गया, ठीक है। तो अब जो वैल्यू मुझे मिलती है वो है x+1, और सेकंड ब्रैकेट में मिला x² - 4x - 5 इसका क्वाड्रेंट का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, x² - 4x - 5 को मैंने यहाँ स्प्लिट किया, x+1 को यूजुअल मैंने ऐसे ही छोड़ रखा है, तो जब x² - 4x - 5 को मैंने स्प्लिट किया, तो वैल्यू जो बनी वो हुई x² - 5x + x - 5। यहाँ पर मैंने x को बाहर किया, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू बन गई x - 5, +1 को मैंने बाहर किया, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू बन गई x - 5, जो कि कॉमन हो गई, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 ब्रैकेट की वैल्यू बन गई, पहला x+1, दूसरा बना x+1 और तीसरा बना x - 5, तो ये 3 वैल्यू फाइनल हमारी आंसर होता है x+1, x+1 और x - 5। तो हम ये कह सकते हैं कि आंसर इज हमारा x+1, x+1 और x - 5 होता है, क्योंकि अपने अगली क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 2.5 के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो उससे पहले आज की क्लास में मैं आपको कुछ आइडेंटिटी भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जैसे आइडेंटिटी 1 है x+y² तो x+y² के लिए वैल्यू हमारी होती है x² + 2xy + y². सेकेंड आइडेंटिटी हमारी है, अगर x - y² दिया है तो हमारी वैल्यू बनती है x² - 2xy + y². लेकिन अगर तीसरी आइडेंटिटी हमारी है कि अगर x² - y² दिया गया है, तो हम वैल्यू निकालते हैं ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में x+1 और दूसरे ब्रैकेट में x - 1। अब अगर हमारी चौथी आइडेंटिटी है x + a और x + b अगर दी गई है तो क्या बनेगा, तो हमारा जो वैल्यू बनता है वो होता है x² + (a+b)² + ab। पांचवी वैल्यू है x+y + z²
जिसको जब हम स्प्लिट करते हैं तो हमारी वैल्यू बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। सिमिलरली जब हम एक्स प्लस वाई के क्यूब को देखते हैं तो हमारी वैल्यू फॉर्म होती है आइडेंटिटी सिक्स के लिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। आइडेंटिटी सेवन जब हम देखते हैं एक्स माइनस वाई का क्यूब तो हमारी वैल्यू बनती है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। और आइडेंटिटी एट हमारी है अगर वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड तो वैल्यू होती है ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी आइडेंटिटी आप अच्छे से अंडरस्टूड कर लेंगे और इसके साथ अब कल की क्लास में मैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।